फाइव की, जिसमें आपकी आज दूसरी क्लास है। तो मैं आपको कल जो है जोड़ना घटाना और गुणा करने की उर्दू तरक्की में विधि सिखा चुका था, तो उसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। हमें रिविजन कराना है उसका? नहीं। कराना है? ठीक है, तो आज की विधि सिखा रहा हूँ, निकलम विधि। निकलम आती है नहीं आती? निकलम विधि, ठीक है भाई। निकलम में क्या होता है, निकलम दो तरह की विधि है आपके सिलेबस। एक तो है आपके दो अंकों के गुणा, तीन अंकों के गुणा। अब तरीका देख लेते हैं, है ना। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ 11 × 12, ठीक है। मैं 11 × 12 निकालना चाहता हूँ। अच्छा एक बात सुनो, इसके 11 और 12 के पास कोई जीरो वाली संख्या है? क्यों नहीं है, 10 नहीं है? 11 और 12 के पास जीरो संख्या कौन है? 10। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। उपाधार क्या हो जाएगा? जो आधार होता है ना, उसमें आई और डिजिट जो होती है वो आपका उपाधार होता है, ठीक है। इतनी दिक्कत, विचलन कैसे निकालते हैं? विचलन का फॉर्मूला आपको आता नहीं आता? विचलन क्या है? संख्या माइनस आधार। ये फॉर्मूले आप जो बड़ी विधि है आराम से सीखेंगे, ठीक है ना। पूरा दिल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मेरी बात सुनो, आप जमा लोगे ऐसे, कैसे जमाओगे? संख्या और विचलन। संख्या क्या आपकी 11 और 12। अच्छा संख्या में से आधार माइनस करो, 10 को माइनस कर दो, 11 से कितना बचेगा? प्लस का ही, प्लस का इतने में नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका गुणा इससे कर दोगे, मतलब इसके साथ इसको जोड़ दोगे। 11 के संग क्या कर दोगे? प्लस। आप 12 के संग ये प्लस कर सकते हो, आपको क्रॉस प्लस करना है, ठीक है। 11 के संग 2 प्लस कर सकते हो, 12 के संग 1 प्लस कर सकते हो, सामने वाले के संग सामने वाला प्लस नहीं करोगे कभी, ठीक है। और इसके आगे गुणा करना है उपाधार अंक का, जिसको उपाधार अंक बोलते हैं, उपाधार मैंने सवाल तो लिख दिया, ठीक है। आगे किसका गुणा करना है? उपाधार स्लैश, और इन दोनों का आपस में इतने में यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2 2 1। आया समझ में? थोड़ी बड़ी विधि है, थोड़ी लंबी विधि है, उसको नोट करो। कार्य करा देखो, इसमें क्या है, अगला सवाल है आपका, मान लो 21 और 22, ठीक है। इसमें कैसे करें? देखो आपका इसमें आधार क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और उपाधान अंक यानी उपाधान क्या हो जाएगा आपका? 2। इतने में कोई दिक्कत? उपाधान में संख्या विचलन निकालना जानते हो? कैसे करेंगे? हमें पौधा नहीं देख रहा, ठीक है ना। संख्या और विचलन ऐसे जमा लोगे? नहीं जमा लोगे। संख्या आपकी 21 22, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा? +1 +2, ठीक है। इसको इसके संग लिखेंगे या फिर इसको इसके संग, किसी को भी लिख लो, ठीक है। 21 + 2, और आगे किसका गुणा करना होता है? तो उपाधार अंक का स्लैश, इनका गुणा कर दो। आधा कितना आ रहा है? 2 × 23, और ये आ रहा है आपका 2। तो कितना आ रहा है बताओ भाई? 23 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 46 प्लस 2, कितना आ रहा है? 2 6। आज समझ में आया? इसी लग रहा थोड़ा सा 23 और 24 का मल्टीप्लाई करना। आधार मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बेस क्या हो जाएगा आपका? 20, और सब बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 23 24, इसको डी बोलते हैं, इसको डिविजन बोलते हैं, डिविजन, ठीक है। विचलन को डिविजन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 23 24, ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 4। क्या करोगे? 23 में 24 कर दोगे, या 24 में 3 कर दो, कोई भी कर दो, इसके साथ इसको ले लो या इसके साथ इसको ले लो, तो बुढ़ा क्या करोगे आपका? विचलन, ठीक है। सॉरी अपारा, ठीक है, उपाधा करोगे। इसमें करोगे ये कितना हो जाएगा? 2 × 27, और कितना हो जाएगा? ये 12, कितना हो जाएगा? 12, ये कितना हो जाएगा? 54, और ये। अच्छा मैंने आपको बताया था कि एक संख्या रखते हैं, बाकी सबको अगले क्लास में रखते हैं,
तो पीछे का दो रखेंगे, एक को कर देंगे आगे ट्रांसफर, तो आगे प्लस हो जाएगा, उसमें क्या जाएगा 55। समझ में नहीं आया हमेशा जब इसमें एक जी कितनी जीरो है इसमें पीछे जो आपने आधार लिया उस पर डिपेंड करती चीजें सारी, एक जीरो है ना, एक एक संख्या रखोगे आप बस पीछे की संख्या बड़ी बाकी सबको आगे फेंक दिया और दो तीन हुई तो एक बार आगे दो आगे फेंक दो, ठीक है ना। नोट करो अगला रंग आता हूँ इसको बंद कर दो, चौंतीस का बड़ा करना है, ठीक है भैया। देखो इसमें आपका आधार क्या हो जाएगा मुझे बताओ पहले, आधार 30 हो जाएगा। आधार में जो आगे की डिजिट होती है वो होती है आपकी उपाधार अंक, या उपाधार बोल सकते हो, ठीक है ना, अंक या उपाधार कुछ भी बोलो, ठीक है ना। 3 हो जाएगा ये। अब करते कैसे, संख्या विचलन ये क्या भैया 33। अच्छा विचलन किस निकाल से पता है ना, संख्या में से आधार को माइनस करना होता है, तो 33 में 30 को माइनस करो कितना है 10 का 3 10 का 4। इसके साथ इसको लेंगे, इसको भी ले लो, तो गुणा किसका करोगे आप इसमें उपाधार अंक, मैंने तो 34 लिया क्या कुछ भी ले ले बात, 34 में 3 लिया हुआ तुमने, 34 में 3 लिया हुआ, इसमें क्या लिया 33 में 4 लिया गया, कुछ भी ले लो तुम आप, ठीक है भाई। देखो ये क्या है, ये आएगा आपका 3×37 और ये क्या आएगा 12। अब इसको गुणा करोगे 37 से कितना आएगा बता, देखो 7 का गुणा 3 का गुणा करोगे 7 से कितना 21, वहां से 2 चली जाएगी और क्या आएगा आपका 3, तो 9 और क्या आएगा आपका 100, ठीक है, और ये क्या आएगा 12। मैंने बताया पीछे से एक को पकड़ेंगे और एक को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आएगा, सीख रहा है हाँ भाई। 25 और 26 दो संख्या है, इन दोनों का क्या करना, गुणा करना। आधार क्या लोगे आप 20, लेने को 30 भी ले सकते हैं पर आप 20 ले लो, 20 के लिए उपाधार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, संख्या और विचलन, संख्या क्या आपकी 25 26, विचलन हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 6। आप क्या करोगे 25 के संग क्या ले लोगे 6 ले लोगे, ले लेगा आप 26 के संग 5 भी ले सकते हो, और क्या कर लोगे उपाधार का गुणा करोगे, ये तो करोगे और इधर इनका गुणा कर दोगे, ये तो करोगे नहीं करोगे, यही कर दिया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये 2×31 और गुणा क्या आ जाएगा आपके 30, इधर तो आएगा, और ये कितना है गुणा करने पर, यह आएगा सर आपका 62 और यहाँ का 30, ठीक है। जीरो रखोगे 3 को आगे ले जाओगे कितना आया 5, ठीक है, समझ में आया। किस किस का गलत आ रहा है, क्या गलत करके बुला था, कोई बात नहीं, कंसर्ट से आधार क्या लोगे 30 ले लोगे, उपाधार क्या लोगे 3 ले लोगे, ठीक है ना। संख्या क्या रहेंगे आपके 37 38 और विचलन 10 7, इतने में कोई दिक्कत, अरे इतना तो आप जमा लोगे ना, देखो स्लैश लगेगा बीच में, 37 के संग लगेगा 8 या 38 के संग 7 लगा सकते हो, और गुणा में लग जाएगा 3 और इधर दोनों का गुणा हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत, इतना जमा लिया जोड़ोगे कितना आएगा 37 में 38 जोड़ोगे कितना आएगा बता, 57 और ये तो 56 हो जाएगा, और इतने में कोई दिक्कत, गलत करा किसी ने, क्या तक सब सही है, ठीक है। गुणा करो कितना आएगा 35 135 35 नहीं 135, ठीक है। क्या रखोगे 6 5 वाली भेज दोगे, अच्छा 135 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, सही है भैया, तो ये मेरे को लगा तो क्यों आया, मैंने 4 आधार ले लिए, ठीक है ना। अच्छा इसमें उपाधार क्या हो जाएगा आपका 50,
आधार क्या हो जाएगा आपका 10 और उपाधार अंग क्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, संख्या विचलन, ठीक है, संख्या क्या आपकी 51 52 क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 5 गुणा 51 प्लस 2 और 1 गुणा 2 5 गुणा कितना जाएगा 53 और 2 यार 53 गुणा करोगे क्या 5 की 15 5 से 1 25 और 1 26 आया समझ नहीं आ रहा इसको क्या करोगे आप 2600 आया समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत इसलिए में ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको डिक्रम जी सिखाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ रही होगी। तो कल हम आपको एक आधी के पूर्ण जी सिखाएंगे। तो कल तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।